हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का जो सवाल है वो हमें भेजा है आशीष तवारे जी ने और ये लिखते हैं, सर जी प्रणाम। कन्या लगन की कुंडली में शनि राहु गुरु 12th हाउस में हो तो मोक्ष मिलेगा क्या, प्लीज बताइए। देखिए, बात कन्या लगन की नहीं है, किसी भी लगन में शनि राहु और गुरु अगर 12th हाउस में होते हैं तो मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कि अगर मान लेते हैं कि आपका कन्या लगन नहीं है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कन्या लगन के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी रिसेंटली कोई हमारे फ्रेंड हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया था कि आप एवरी इंडिविजुअल के ऊपर ऐसे वीडियो ना बनाएं, क्योंकि हम लोगों को देखने में इंटरेस्ट नहीं आता है। और ये बात सही भी है कि अगर मैं किसी के बारे में बता रहा हूं तो दूसरा उसको क्यों सुनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अगर कुछ बता रहा हूं तो मैं इस तरीके से बताता हूं कि जो हर आदमी अपने तरीके से उसको समझ सके। यानी 12th हाउस में जरूरी कि आपका लग्न कन्या हो सकता है आपका लग्न कैंसर हो, लियो हो और पाइसिस हो, सेजी हो, कोई भी आपका लगन हो सकता है। आपके लगन में अगर राहु शनि और गुरु की प्लेसमेंट होती है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आशीष तवारे जी ने दिया है, तो आशीष तवारे जी का जो क्वेश्चन है ये बहुत लोगों के लिए काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आशीष तवारे जी अगर अपना कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आप लोगों के काम की चीज़ नहीं है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हाउसेस हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी उनकी पोजीशन है, जितनी भी उनकी राशियां हैं, उन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, तभी आप एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने बर्थ चार्ट के बारे में जान लेते हैं और दूसरे से हमारा कोई मतलब नहीं होता, तो जंप मारने वाली बात होती है। तो जंप मारने से क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी की जो नॉलेज है यानी जो ज्ञान है, इसका कभी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता है। तो जितनी भी वीडियोस आती हैं, जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूं, उनको प्रॉपर तरीके से देखें, समझें, जानें। और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में चलता है तो अपना क्वेश्चन भी आप इनपुट कीजिए। और अगर आपका क्वेश्चन लगता है कि वो सबके लिए है, जेनेरिक है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमारे चैनल में लिया जाएगा और उसका आंसर भी बताया जाएगा। पर जैसा आपने पूछा है आशीष जी, शनि राहु और गुरु की प्लेसमेंट अगर 12th हाउस में होती है तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, शनि राहु और गुरु अगर 12th हाउस में है तो उसका मोक्ष से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो मोक्ष है वो एक अपने आप होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि कोई प्लेनेट आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, शनि राहु गुरु बैठ गए हैं, तो आप उसके चक्कर में मोक्ष की तरफ भागेंगे, मोक्ष पाने की कोशिश करेंगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष एक्चुअल में है क्या? जब इंसान जीवन के हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेता है और जीवन की हर वो खास चीज़ जो उससे दूर हो जाती है और नेचर उससे उन चीज़ों को ले जाता है, खींच के ले जाता है, उससे अलग ले जाता है, तब आपको लगता है कि जीवन में अब जीने का फ़ायदा क्या है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ओल्ड एज में होता है, यंग एज में होता है, कि जिस चीज़ से वो मन से जुड़े हुए होते हैं बाद में वो चीज़ उनके हाथ से निकल जाती है, या नेचर जो है वो उनको उससे सेपरेट कर देता है। मान लो कोई आपका लवर है, आप उसको बहुत लाइक करते हो, उसने आपको छोड़ दिया, और आपके मदर फादर जिनको आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी अर्ली एज में डेथ हो जाती है। या ये किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे कोई आपका बड़ा हो छोटा हो, मतलब जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जब वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है और प्रकृति उस चीज़ को जब आपके हाथ से खींच लेती है, ले लेती है, तो कहीं ना कहीं मोक्ष जो है वो अंदर से स्टार्ट होता है। बट मोक्ष पाने के लिए पहाड़ों में जाना, घर बार को छोड़ना, नौकरी को छोड़ना, काम धंधे को छोड़ना और सोचना कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो ये बहुत ही गलत है। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जो है वो अपने आप मिलता है और इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और इसके बारे में अगर कोई बोलता है कि चलो तुम्हें मैं मोक्ष दिलाता हूँ, तो बहुत ही गलत है और इस चक्कर में आप कभी ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों में पढ़ के बर्बाद हो जाते हैं। तो मोक्ष जो है वो अपने आप मिलता है,
और अपने आप ही आप मोक्ष की तरफ बढ़ते हो, और उसके लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत ही नेचुरल तरीके से होता है। लेकिन शनि राहु अगर 12th हाउस में है तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। शनि हमारे स्ट्रगल को दिखाता है, हमारे कर्म को दिखाता है, राहु भी स्ट्रगल को दिखाता है। राहु शनि का योग अगर 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस से संबंधित चीज़ों के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जुपिटर की प्लेसमेंट इनके साथ है तो आध्यात्मिक चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है, और आध्यात्म में आपको कितनी प्रगति मिलेगी, मोक्ष की तरफ आपका कितना इंटरेस्ट होगा, उसके लिए आपको 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन को भी देखना है। 12th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी जगह प्लेस्ड है, अपने ओन साइन में है, अपने एग्जल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो कई बार इंसान को जीवन में आध्यात्मिक चीज़ों में बहुत सफलता मिलती है और कई बार मोक्ष भी मिलता है। लेकिन शनि राहु अगर 12th हाउस में होते हैं तो मोक्ष के लिए काफ़ी स्ट्रगल इंसान को करना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि मोक्ष जो है वो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है। जब मेटलिस्टिक चीज़ें आपके जीवन से अपने आप चली जाती हैं या उसके पीछे कोई कारण होता है जाने का, उसके बाद जब इंसान का इस दुनिया में मन नहीं लगता है तो वो अपने आप ही उसी तरफ बढ़ जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका आशीष तिवारी जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। अगर आप भी जानना चाहते हैं 12th हाउस के बारे में या मोक्ष के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप उनसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।